सुपरस्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की जमानत याचिका खारिज हो चुकी है। उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। अब उन्हें जमानत दिलाने के लिए वैसे ही कोशिश हो रही है जैसे सलमान खान को साल 2002 के हिट एंड रन केस में जमानत मिली थी। साल 2002 में सलमान खान की कार के नीचे कई गरीब लोग कुचल गए थे, इसमें से अधिकांश की मौत हो गई थी। इस केस में वकील अमित देसाई ने सलमान खान को जमानत दिलाई थी। अब शाहरुख खान ने भी अमित देसाई को हायर किया है। अभी तक शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान का केस सतीश मान शिंदे लड़ रहे थे। सतीश मान शिंदे इससे पहले संजय दत्त, रिया चक्रवर्ती और सलमान खान का भी केस लड़ चुके हैं। शाहरुख खान ने भी आर्यन के मामले में उन्हें हायर किया था। शुक्रवार को जमानत याचिका पर सुनवाई हुई थी लेकिन आर्यन को जमानत नहीं मिल सकी। अब शाहरुख खान ने उनकी जगह अमित देसाई को केस सौंप दिया है। अमित देसाई हिट एंड रन केस में सलमान खान को जमानत दिला चुके हैं। अब शाहरुख को उम्मीद है कि जैसे उन्होंने सलमान खान को बेल दिलाई थी वैसे ही आर्यन खान को भी जमानत दिला देंगे। अब जमानत के लिए बुधवार को मुंबई के सेशन कोर्ट में सुनवाई होनी है। बता दें कि आर्यन खान को मुंबई से गोवा जा रहे क्रूज पर छापेमारी के दौरान गिरफ्तार किया गया था। उनके साथ मुनमुन धमेचा, अरवाज मर्चेंट, नुपुर सारिका, स्मित सिंह, मोहल जसवाल, विक्रांत छोकर और गोमित चोपड़ा भी गिरफ्तार किए गए थे। इन सभी को NCB यानी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने पकड़ा था और आरोप लगाया था कि इन लोगों के पास से 13 ग्राम कोकीन, 5 ग्राम MD, 21 ग्राम चरस, MDMA की 22 गोलियां और 1.33 लाख रुपए मिले हैं। यह सभी सामान NCB ने जब्त किया था। इन सभी पर ड्रग्स खरीदने और ड्रग्स लेने जैसी गंभीर धाराएं लगाई गई हैं। दूसरी ओर बता दें कि जिन अमित देसाई को अब शाहरुख खान ने केस सौंपा है उन्होंने कहा है कि आर्यन के पास से कोई ड्रग बरामद नहीं हुआ। इस मामले में जल्द सुनवाई की आवश्यकता है। इस हाई प्रोफाइल मामले में देश के करोड़ों लोगों की नजरें लगी हुई हैं। बुधवार को क्या फैसला होता है इसका सभी को बेसब्री से इंतजार है। इस मामले में तमाम बॉलीवुड सेलिब्रिटीज शाहरुख खान का समर्थन कर चुके हैं जबकि सोशल मीडिया पर तमाम लोग उनके खिलाफ मुखर भी हो रहे हैं। अब जमानत पर क्या फैसला होता है इसके लिए कोर्ट की ओर सभी की निगाहें लगी हुई हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा ये नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही ये भी बताएं कि आप किन किन विषयों पर वीडियो देखना चाहते हैं। हम आपकी पसंद के वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। और हाँ, सबसे जरूरी बात, हमारे चैनल NN बॉलीवुड को सब्सक्राइब करना न भूलें। इसी के साथ स्क्रीन पर दिख रहा बेल आइकन भी दबा दें जिससे हमारी नई नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।